वर्किंग शो करने के बाद आपने शो करना है कि जो इक्वेशन दी गई है ये इक्वेशन इसका सोल्यूशन 19/20 निकलता है। क्वेश्चन नंबर 12 आपको सिखाता है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपका आंसर करेक्ट है या नहीं। 19/20 आपको सोल्यूशन दे दिया गया है और क्वेश्चन दे दिया गया, आपने बताना है कि क्या 19/20 इसी सोल्यूशन इसी इक्वेशन का आंसर है या किसी और इक्वेशन का आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपको 5A के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन देगा, इनफैक्ट हर जो है इक्वेशन के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है कि अगर आपके पास आंसर आ जाए और क्वेश्चन भी आपके पास मौजूद है तो आपने पता लगाना हो कि आपका आंसर कैसे पता चलता है। क्या करते हैं is your 5A number 12 question aapke paas hai ji 2x minus 4 equal to 1 by ye keh diya hai nahi so I'm going to start from putting x is equal to t side pe आप x की जगह पर क्या लिख देंगे 19/20 माइनस 3/4 और x की प्लस 5/6। ये काम करते करेक्ट है या नहीं है, आप लेफ्ट साइड से कोई भी चीज राइट साइड पर नहीं लेके जा सकते और राइट साइड से कोई भी चीज लेफ्ट साइड पर नहीं लेके आ सकते। ये रूल है चेकिंग का। अगर आप अपना आंसर चेक कर रहे हैं इक्वेशन वेरिएबल है उसकी जगह 19/20 पुट करेंगे, बट वी विल मेक श्योर दैट वी कैन नॉट टेक एनी टर्म फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन टुवर्ड्स द राइट एंड फ्रॉम द राइट टू द लेफ्ट। हम यहाँ से इक्वेशन के लेफ्ट राइट पर कोई भी चीज मूव नहीं करवा सकते। नाउ आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई 19 × 2 इज 38। 38/20 is equal to numerator के साथ 19 × 20 = 60 + 5/6। Now I'm going to LCM 20 ही होता है। 20 × 20 = 4 5 38 × 1 = 38 - 3 × 5 = 15 is equal to the LCM of 60 and 6 is again 60. 60 × 1 = 60 and 6 × 10 = 60. 19 × 1 = 19 50 38 - 15 8 - 5 = 3 3 - 1 = 2 / 69 / 60। यू कैन सी दैट आई कैन डू कटिंग ऑन द राइट साइड ऑफ द इक्वेशन। लेफ्ट साइड पर तो कटिंग नहीं हो रही लेकिन मैं राइट साइड पे कटिंग कर सकती हूँ। तो यहाँ 23/20। तो ये देखें मेरी अपने आप, मैंने कोई जबरदस्ती नहीं की है सवाल के साथ, लेकिन अपने आप मेरी लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों के आंसर्स क्या आ गए, सेम आ गए, 23/20 आ गया दोनों साइड का आंसर। 23/20 आ गया। टाइम तो होने दो, 10:30 के बाद 10:30 / 11 बजे जाते हैं ज्वाइन किया, प्लीज अपने माइक ऑफ करके बैठे। अपने नेम सेंटर किया करें, ये मैं बहुत बार बता चुकी हूँ। हू इज दिस टीए, प्लीज अपना माइक ऑफ करके बैठे। पेज नंबर 118 क्वेश्चन नंबर 12। In question number 12, you were asked to check either 19/20 is the solution of the given equation or not. So what we have done in the left side and in the right side, we have taken x is equal to 19/20 on both sides. लेकिन हमने left side से right side पर नहीं जाना, right side से left side पर नहीं जाना। Left side को भी साथ साथ solve करते जाना है, right side को भी साथ साथ solve करते जाना। अगर आपके दोनों के answer same आ गए हैं, तो फिर हम इसका result क्या लिखते हैं कि जी x is equal to 19/20 is the solution. कि ये सोल्यूशन आपके पास की राइट साइड आपस में इक्वल नहीं आती, तो आप कहेंगे कि 19/20 इज नॉट द सोल्यूशन, कि ये आपके पास सोल्यूशन नहीं है।
ये तरीका सिर्फ क्वेश्चन नंबर 12 पे अप्लाई नहीं हो सकता. अगर आपके अगर इफ यू आर सिटिंग इन द एग्जाम एंड यू वांट टू चेक आइदर योर आंसर्स आर करेक्ट और नॉट, सो यू कैन फॉलो द सेम पैटर्न इन द एग्जाम्स एज वेल. बट मेक श्योर व्हेनेवर यू आर चेकिंग योर आंसर आइदर इट इज करेक्ट और नॉट, यू कैन डू दिस वर्किंग ऑन योर रफ शीट, नॉट ऑन योर नीड शीट. आप अपनी नीड शीट पर ये वर्किंग नहीं करेंगे, अपनी रफ शीट पर ये वर्किंग करके चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर करेक्ट है या नहीं. So next one is, oh, okay, I'm going to show this question. If any student want to take the screenshot, then you can go for it. This is page number 118, exercise 5A, question number 12. Okay, now I'm going to start your question number 13. Question number 13 is, if 4x plus y is equal to 3x plus 5y, find the value of 3x. Divided by 16. अच्छा जी, ये जो क्वेश्चन है जो आपके लास्ट टू क्वेश्चन है, question ये आपकी 5A की पूरी एक्सरसाइज में से सबसे डिफरेंट क्वेश्चन है. उसको देखने के लिए कि डिफरेंट कैसे हैं, आपको 5A के क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा. अगर आप अपना 5A का क्वेश्चन नंबर 1 देखें और उसको 14 से कंपेयर करें, तो कंपेरिजन हम क्यों कर रहे हैं, सिर्फ आप लोगों को ये बात बताने के लिए. क्वेश्चन नंबर 13 में जो इक्वेशन आपके पास गिवन है, देयर आर टू वेरिएबल्स इन इट, एक्स एंड वाई. जो क्वेश्चन नंबर 13 में इक्वेशन गिवन है, देयर आर टू वेरिएबल्स इन इट, बट इफ यू सी ऑल अदर क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज, वन वेरिएबल. अदर इक्वेशन एक्सरसाइज 5A, देयर आर वन वेरिएबल, आइदर इट वाज एक्स और वाई. पूरे सवालों में या तो वाई, बट इन question number 13 and 14 you can see in the equation both of the variables are there. We have to find out the value of 3x by 16 by banana pe sawal hai. Aapki voice clear nahi aa rahi. Miss aapki voice clear nahi aa rahi. Abdul Rahman, Ahmed Raza, Imran, Yasin, please apne mic off kare, apne cameras on karke baithe. Aap log bolenge to meri awaaz kabhi bhi nahi aayegi. Okay, I'm going to write your question number 13 over here. 4x plus y is equal to 3x plus 5y. You need to find out the value of 3x by 16y. 3x plus 6, 3x by 16y ki value find out karni hai. If you are having 4x plus y is equal to 3x plus 5y. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता चल गया होगा कि 3x है, तो आई वांट टू मेक 3x इन द इक्वेशन. मैं x वाली वैल्यूज एक तरफ कर लेती हूँ, लेफ्ट साइड पर बना लें, और द टर्म्स इन्वॉल्विंग y वी कैन टेक ऑल दीज वैल्यूज ऑन द राइट साइड ऑफ द इक्वेशन. सो स्टार्टिंग फ्रॉम द सॉल्यूशन, 4x, एज यू ऑल नो दैट साइन ऑफ द नंबर इज ऑलवेज रिटन बिफोर इट, बिकॉज देर इज नो साइन बिफोर 3x, which means 3x is a positive number. So when you will take this on the left side of the equation, this will be a negative number. So 4y, as y is having a positive value, so when you will take this positive value on the right side of the equation, this positive will change to negative. So 4x minus 3x is x, 5y minus y is 4y. ये आपके पास equation बन गई है. Till then, हमने अब तक क्या किया है? We have taken the like terms on the one side of the equation. The terms involving x are placed on the left side, while the terms involving y are placed on the right side. After solution, you get x is equal to 4y. लेकिन हमें चाहिए 3x by 16y. X आपके पास numerator में है और y आपके पास denominator में. अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ x is equal to 4y multiplied by 1, because after multiplying 1 doesn't make any difference in the equation. Now you can see 4x, 4y is being multiplied on the right side. When you will take this on the other side, it will be divided, is equal to 1. So x by 4y is equal to 1. यहाँ तक तो हमारा कुछ काम हो गया है कि हमारे पास x numerator में आ गया है और y denominator में आ गया. अब problem हमें क्या है कि हमें numerator में 3 चाहिए और denominator में 16 चाहिए. अगर मैं इस equation को 3 by 4 से multiply कर दूँ, तो मेरे पास x के साथ 3 बन जाएगा, और जब मेरा डिनोमिनेटर दोबारा 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 16 बन जाएगा. सो आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई 3 बाय 4 ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन. 3 बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय x बाय 4y इज इक्वल टू 3 बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 1.
So when you are multiplying two fractions, you will multiply numerator with numerator and denominator with the denominator. So 3 into x is 3x, while 4 into 4y is 16y. So 3x by 16y is equal to 3 by 4 because you are multiplying 3 by 4 with 1. So it will not make any difference on the equation. Dobara se dekh le, in question number 13, you were given with the equation involving two variables x and y at once. And you were asked to find the value of 3x by 16y. So first of all, I have placed all the terms involving x on the left side and all the terms involving y on the right side. After solving them, you got x is equal to 4y. But when I went back to my question, it was 3x by 16y. So I want to take x as a numerator and y as the denominator. So I have written 4 into 1 so that I can take 4y in the denominator. Because 4y was being multiplied on the right side, so 4. The problem was that we should in the numerator and 16 in the denominator. So I multiply 3 by 4 on both sides of the equation. After multiplying 3 by 4, ye baat yaad rakhiyega, when you are multiplying any number, you have to multiply it on the both side of equation. Yahan par hum apply kare golden rule of algebra. What we do on one side of equation, also do on the other side. Ye aapki book mein nahi hai, lekin ye algebra ka rule hai. I'm going to write this rule over here. This is golden rule of algebra. What is meant by golden rule of algebra? Golden rule sirf isko isliye kar raha tha because that is used most times. Hum isko sabse zyada bar istemal karte hain. Isliye isko golden rule of algebra kaha jata hai. What we do on one side of equation also do it on the other right other side of the equation. आप equation की एक side पे भी काम करके stop नहीं कर सकते. आपको equation के दोनों sides पर ये काम कोई भी काम करना चाहता है करना पड़ता है. Just like मैंने 3/4 multiply किया. मैंने 3/4 सिर्फ एक side पे multiply नहीं कर सकती थी. मुझे उसके दोनों sides पे multiply करना पड़ता. So this is यहाँ पर golden rule apply हुआ. तो आपके पास 3x by 16y की वैल्यू क्या है 3 by 4. सवाल आपका यहाँ पे खत्म हो जाता है. 3x by 16y की वैल्यू आपके पास क्या है 3 by 4. Now moving to the last question of exercise 5a. Excuse me teacher. 7x minus 4y 3 by 4. Excuse me. रियान से देखिए पूछें क्या सवाल पूछना चाह रहे हैं आप. टीचर आपने क्वेश्चन नंबर 13 में 1 को नीचे रखा था. मुझे आपकी बात नहीं समझ आई. विल यू प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन. एक्सक्यूज मी टीचर एंड में आपने जो नीचे 1 लिखा 4y मल्टीप्लाई बाय 1 है किसको हम 1 को ना लिखे नीचे. प्रॉब्लम ये है कि मुझे y को डिनोमिनेटर में लेके जाना है. डिनोमिनेटर में आप किसी भी टर्म को उसी वक्त लेके जा सकते हैं जब राइट साइड पर मल्टीप्लाई हो रही हो. तो मैंने इसलिए मल्टीप्लाई बाय 1 लिखा ताकि 4y आसानी से जो है वो डिनोमिनेटर में चला जाए. आप लोग कोई क्वेश्चन ना करें कि जी क्यों आप इसको डिनोमिनेटर में ले रही हैं कैसे ले रही हैं. तो मैंने आपको सिर्फ ये शो कराने के लिए क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा था तो आप इसको डिवाइड करवा सकते हैं सिर्फ इसलिए ये काम किया. और मिस आपने 3 by 4 मल्टीप्लाई बाय x by 4y क्यों लिखा. मेरे पास बन गया x by 4y जबकि मुझे क्या बनाना था 3x by 16y. ये यहाँ पर x के साथ मुझे 3 चाहिए और इस 4 की जगह मुझे 16 चाहिए. तो अगर मैं इस 4 को 4 से मल्टीप्लाई करा दूं तो 16 बन जाता है और यहाँ पर 3 होना चाहिए. तो मैंने इसलिए ये रीजन है. कैमरा ऑन करके बैठे इमरान यासीन मोहम्मद मिकाइल अपना कैमरा ऑन करके बैठे मोहम्मद. मिस जी बेटे पूछे नहीं जब आपने मल्टीप्लाई किया फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से तो जी? एक फ्रैक्शन तो उल्टी नहीं हो जाती फिर मल्टीप्लाई होती है.
अगर दो फ्रैक्शंस डिवाइड हो रही हो और आप उस डिवीजन के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करें तो आपकी सेकंड फ्रैक्शन इन्वर्ट हो जाती है. बट इफ यू आर मल्टीप्लाइंग टू फ्रैक्शंस तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है. ओके ये अगर किसी ने स्क्रीनशॉट लेना देन प्लीज गो अहेड. प्लीज अपना माइक ऑफ करके बैठा करें. ओके नाउ स्टार्टिंग योर क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 14 देखें या दोबारा से आपके पास एक ऐसी इक्वेशन है जिसके अंदर एक्स और वाई दोनों साथ में इन्वॉल्व है और आपने वैल्यू किसकी निकालनी है, एक्स बाय वाई की. सो आई एम गोइंग टू राइट माय क्वेश्चन ऑन नंबर 14. आपके पास लिखा हुआ जी 3x माइनस 5y डिवाइडेड बाय 7x माइनस 4y इज इक्वल टू 3/4. आपने वैल्यू किसकी निकालनी है, एक्स बाय वाई की, और यहाँ से आपका सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा. पहला काम ये तो देखे ना कि आपके लेफ्ट साइड पर भी एक फ्रैक्शन है, राइट साइड पर भी एक फ्रैक्शन है, और दरमियान में क्या आपके पास पड़ा हुआ है, इक्वल टू. दो फ्रैक्शंस हैं दरमियान में, इक्वल टू का साइन, इसका मतलब है कि सबसे पहला स्टेप आप क्या करेंगे, यू विल गो टू वर्ड्स ऑफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. इसका मतलब है 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x माइनस 5y के साथ और 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 7x माइनस 4y के साथ. मल्टीप्लीकेशन 4 3s आर 12x, 4 5s आर 20y is equal to 3 7s are 21x, 3 4s are 12y. मैंने 4 को 3 के साथ और 4 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया है, राइट साइड पर 3 को 7 के साथ और 3 को 4 के साथ भी मल्टीप्लाई किया है. क्लास स्टार्ट होने पर रियान ने मुझसे सवाल पूछा था कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के बाद हम क्या करते हैं. मल्टीप्लीकेशन के बाद मैं कर लूंगी आई ऑल द टर्म्स इन ब्रैकेट्स ऑन आप राइट साइड पर करना चाहते हैं राइट साइड पर कर रहे हैं. मैं इस वक्त जो एक्स वैल्यू टर्म्स हैं इनको राइट साइड पर लेकर जाना चाहती हूँ. तो दिस इज माइनस 20y विल रिमेन एज 12y इज नेगेटिव वैल्यू सो व्हेन आई विल टेक दिस ऑन द लेफ्ट साइड दिस माइनस विल चेंज टू पॉजिटिव 21x बिकॉज साइन ऑफ द वैल्यू इज ऑलवेज रिटन बिफोर द नंबर. 12x is not having any sign before it, which means that 12x is a positive number. So when you will take this on the right side, it will change to negative value. Now 20y plus 12y, both of the values are having opposite sign, which means both of the values are having opposite sign, which means we will subtract them. मैं स्टार्ट हेलो ऑफ कर दिया. जी 20 के साथ नेगेटिव है, 12 के साथ प्लस है, दोनों वैल्यूज के साथ ऑपोजिट साइन है, हम इनको करेंगे सब विल राइट 21x माइनस 12x आठ हो रहेगा आपके पास, हो जाएंगे 9x because 21 is a greater value and it is having a positive term. Equal to के बाद पहली टर्म है तो प्लस का साइन लगाएं या ना लगाएं वो आपकी अपनी मर्जी है. 14 आप देखें then you were asked to find out the value of x by y. तो आपके पास x numerator में होना चाहिए और y आपके पास denominator में होना चाहिए. जी मुझे x के नीचे y लेकर जाना है क्योंकि माइनस 8 और y के दरमियान कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं है. इसका मतलब है कि माइनस 8 और y आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई. अगर y राइट लेफ्ट साइड पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड. सो माइनस 8 इज इक्वल टू 9x डिवाइडेड बाय y. अब यहाँ पर अगर आप देखें तो 9 और x के दरमियान कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं
करनी है, इसका मतलब है कि 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, हम इसको लेफ्ट साइड पर जाकर डिवाइड कर सकते हैं. माइनस 8 बाय 9 इज इक्वल टू एक्स बाय वाई. हमें चाहिए थी कि एक्स बाय वाई की वैल्यू क्या आती है क्वेश्चन नंबर 14 में. दोबारा से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 14 भी 13 की तरह पूरी एक्सरसाइज से सबसे डिफरेंट क्वेश्चन था, बिकॉज देयर वर टू वेरिएबल्स इन्वॉल्व्ड इन इट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डन द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. After cross multiplication, you can take your terms on one side of the equation. I have taken the values involving x on the right side and the terms involving y on the left side. After that, I came to access the denominator. Because there was no sign, there was no mathematical operation between minus 8 and y, was being y. You will take this y will be divided. So minus 8 is equal to 9 into x by y. अब 9 और x by y दोनों के दरमियान भी कोई mathematical operation नहीं है. इसका मतलब है कि 9 multiply हो रहा है left side पर जाकर 8 by 9 is equal to x by y. यहाँ पे आके आपका question number 14 complete हो जाता है. के पीछे वाले पेज पे करें, मुझे नजर नहीं आ रहा वो, मैंने देखना थोड़ा सा. टीचर जी मोमिन पूछे. टीचर मैंने ना ऊपर वाले भी अभी स्क्रीनशॉट लेने हैं. ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 है. ओके थम्स अप का साइन किया करें जब आपका स्क्रीनशॉट हो जाए. मैं पीछे कर ले, हमारे पास सिर्फ 1 मिनट है, क्लास अपने आप ओवर हो जाएगी. उससे पहले अपना होमवर्क सुन ले डार्लिंग. आप लोगों के लिए कोई होमवर्क नहीं है, लेकिन 5 ए पूरी एक्सरसाइज रिपीट कर लेगा, क्योंकि 5 बी स्टार्ट करने के लिए 5 ए आना जरूरी है. मंडे को हम 5 बी स्टार्ट करेंगे, उसके लिए 5 ए एक्सरसाइज के ऊपर ग्रिप होना बहुत जरूरी है. मैं स्क्रीनशॉट आपको शो कर देती हूँ, लेकिन ओवर हो जाएगी तो बाकी हेल्प आप लोगों को खुद लेनी पड़ेगी एक दूसरे से. जी रियान जल्दी पूछ लें. जब मंडे को कॉपी आपके पास होगी तो फिर हम रफ पे करेंगे ना सारा काम. हाँ जी कर लीजिएगा, लेकिन इसके 5 मैंने तो आज होमवर्क दिया ही नहीं, बस आज यही सवाल थे, बस आपने इनको नीट कॉपी पे उतारना है, उसके अलावा तो होमवर्क है ही नहीं आपके लिए. टीचर अगर आप जब 5 बी शुरू करवाएंगे तो फिर नहीं, मैं 5 बी स्टार्ट करवा के आपको होमवर्क नहीं दूंगी. ओके